हरियाणा में भाजपा को झटका। कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद कैलाश सैनी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ की कांग्रेस ज्वाइन। जी आपको बता दें, कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद व ओबीसी और सैनी समाज की बड़ी नेता कैलाश सैनी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन छोड़ आज रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें बीजेपी के कई पदाधिकारी भी शामिल है। कांग्रेस ज्वाइन कर कैलाश बोली, लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। उन्होंने बताया कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, इसी वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ी है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं इस बारे में उन्होंने क्या कहा। हुड्डा जी के नेतृत्व में आज मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है और हुड्डा जी का बड़ा सफल नेतृत्व 10 सालों में एज ए मुख्यमंत्री यहाँ पर रहा है। हर वर्ग को उन्होंने सर आंखों पर रखा और उनके लिए जन कल्याणकारी कार्य करने का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। नई कंडीशन कुछ नहीं है। देखो, हुड्डा साहब को खुद पता होता है कि मेरा कार्यकर्ता या मेरा नेता कितना कैपेबल है, उसके लिए मुझे क्या करना है और वो पार्टी के लिए क्या कर सकता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो बहुत पहले से सोच रही थी, जब मौका लगा, जब मुझे टाइम मिला तो मैं आ गई। देखिए, मेरा बहुत पहले से मन था, क्योंकि बीजेपी में वो ना तो जनता की कद्र है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। संविधान को बदलने की साजिश है, किसानों को लाठियों से पीटा गया, लोकतंत्र को ख़त्म किया गया पूरी तरह से। तो ये काफ़ी इश्यूज हैं जिनको आगे आने वाले समय में देश की जनता को आज वोट की चोट से, अपनी ताकत से उनको हल करना है। आज जनता ही ये चुनाव लड़ रही है, जनता खुद अपने हित के लिए इन्वॉल्व हो गई है इलेक्शन में, और जब जनता अपना इशू बना लेती है इलेक्शन को तो आपको पता ही है कि क्या होता है। कैलाश जी, आपने जिला परिषद से अपना सफर शुरू किया था। जी हाँ, लोकदल में रहे, सांसद रहे। जी बीजेपी में सांसद रहे। जी नहीं, बीजेपी में रहे, बीजेपी अलायंस में रहे। या जी, तो अब जो है क्या ये स्थाई माने आप? हाँ जी बिल्कुल। नहीं चलो, ऐसा तो आपको ये सवाल वैसे करना नहीं चाहिए, पर मैं मानती हूँ कि हुड्डा जी जैसा नेतृत्व और कांग्रेस जैसी लोकतांत्रिक पार्टी पूरे विश्व में नहीं है। ये आप थोड़ा सा सवाल दूसरे तरीके से कर रहे हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हेयर, एंड ये कोई ज़रूरी नहीं इस तरह से पूछना, जब कोई और नहीं पूछ रहे हैं तो। और पत्रकार, दो बार पार्टी बदल चुके हैं, इसलिए सवाल बनता है। अरे ऐसा है, पार्टी में अपने जनता की आवाज़ उठाने के लिए गई थी मैं, जब जनता की आवाज़ ही नहीं उठाने दी जाती, मुझे किसान के मुद्दों के खिलाफ वहाँ पर आवाज़ उठानी थी और मैंने उठाई भी काफ़ी हद तक, तो वो अच्छा नहीं लगा किसी को, तो फिर पार्टी का क्या करें। हमें तो जनता का हित चाहिए, ना कि पार्टी का हित चाहिए। या बेहतर तरीके से पूरी खुली छूट है, पहले भी हमने उठाया है और कितने इश्यूज हल करवाए। नहीं नहीं, देर में नहीं समझ आई, बहुत पहले आ गई थी समझ में, बहुत पहले आ गई थी। हम यही सोचते रहे कि करेंगे, बदलेंगे, क्योंकि मोदी जी पे थोड़ा सा यकीन था, लेकिन नहीं, वो भी अब चाटुकारों से घिर गए हैं और जनता के हित की कोई परवाह नहीं रही, ना भ्रष्टाचार की तरफ ही कोई ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह से जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। आप देखिए, कांग्रेस का एक छोटा सा दफ्तर अकबर रोड पर अब भी चल रहा है, उसमें कोई पैसा नहीं लगाया गया। उसी तरह से बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक वहाँ उसी में बैठते रहे, और बीजेपी का वगैरह का इतना बड़ा दफ्तर आप देख के आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, जिस देश में इतनी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हो, किसान रो रहा हो अपनी एमएसपी। अच्छा, तो और भी बहुत सी चीजें हैं, तो उनका प्रचार करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे और जीतेंगे भी। यही कह रहा हूँ, हमारी बहन कैलाश सैनी दो बार सांसद रही है, जिला परिषद की चेयरमैन रही है, बैकवर्ड क्लासेस लीडर हैं, आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है, इनको पार्टी में स्वागत किया है सबने, और इनको पार्टी में उचित मान सम्मान स्थान मिलेगा। और इनके साथ और भी आए हैं चेयरमैन, तो जिला को तो पंचायत समिति का चेयरमैन और भी बहुत सारे साथी आए। कितने लोग नाम 40 लोग, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, 40 से ज्यादा ज्वाइन कर चुके हैं। एक लहर बनी हुई कांग्रेस के पक्ष में, पूरे हरियाणा में एक लहर बनी हुई। क्या बड़े नेताओं के दौरे तय हो गए, कौन कौन बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं? क्या बड़े नेताओं के दौरे तय हो गए?
सूबे हैं? आएंगे, तारीफ दी जाएगी, राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे, खड़गे साहब भी आएंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार तो अल्पमत में है, नैतिकता तो यही कहती है इस्तीफा देके, और गवर्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया है असेंबली डिसॉल्व करके चुनाव कराने चाहिए। सर आखिरी सवाल, आप कहते हैं जेजेपी के साथ उनके सारे विधायक नहीं है, जबकि राज्यपाल को जो आपने लेटर लिखा उसमें लिखा कि जेजेपी के 10 विधायक विपक्ष के साथ है। हाँ। वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति यह है, व्हिप जारी होगा, सेशन बुलाएंगे, पता लग जाएगा है ही नहीं है, क्योंकि कुछ फॉर सेल है वहाँ। हमने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी, 3 विधायक बनाने से मिल रहे हैं, 2 बढ़ाए, ये हॉर्स ट्रेडिंग का एक संकेत है और हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं चाहते, इस वास्ते हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं।